आज हम लोग खेलने वाले एक बड़ी अमेजिंग गेम जो कि मेरे को माइनक्राफ्ट की याद दिलाती है। और हमें इस गेम में मेरा फेवरेट काम करना होता है जो कि चीजों को डिस्ट्रॉय करना। और इस गेम की जो फिजिक्स है ना, माइनक्राफ्ट में जैसे ब्लॉक हवा में अटका रह जाता है, इस गेम में ऐसा नहीं है, इसमें चीजें नीचे भी गिरती है। तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट दिखलाई देता हूँ। तो बेसिकली ये है भाई हमारा सबसे पहले वेयर हाउस, जहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। पर उससे पहले मैं तुम्हें इस गेम की थोड़ी मजेदार चीजें दिखला देता हूँ, जैसे कि यह गाड़ी और हम लोग इसको चला सकते हैं। देखो भाई हमारा ये नीचे जा रहा है और सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। सामने जो ये बन रखा है, जो भी बन रखा है, इसको मैंने गिरा दिया। और देख रहे हो भाई गाड़ी, मेरे ड्राइविंग स्किल थोड़ी बेकार है इस गेम में, पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे पूरा पूरा। और दिखलाना चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ। देख रहे हो पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिर गया, यहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म नीचे आ चुका है। जैसे ये प्लेटफॉर्म नीचे गिरा है, मैं पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरा सकता हूँ, इसमें हर एक चीज को नीचे गिरा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें स्टोरी मोड खेलने वाले हम, तो पहले तो मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का, बाद में स्टोरी मोड ट्राई करेंगे। और भी हम लोग बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं। ओके बिल्डिंग भाई, दरवाजा तोड़ दिया हमने। तो हम लोग इस बिल्डिंग को पूरा तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, पर हमने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हमारी गाड़ी का देख रहे हो, ये हिस्सा भी टूट गया है, गाड़ी भी टूट रही थी मतलब हमारी साथ के साथ, ये पूरा हिस्सा अलग हो गया है इसका। और ये हमारी गाड़ी पलट चुकी है यहाँ पे, और भाई इसको भी बहुत अच्छा खासा डैमेज हुआ है। पर स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी मोड इस डिस्ट्रक्शन के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये सामान मिला है कुछ कुछ, ये क्या चीज है भाई? हेलो, ओके, ये फायर एक्सटिंग भी सर लग रहा है मेरे को। और ये दूसरा स्प्रे पेंट, ठीक है। और ये तीसरा हैमर, हैमर का ट्राई करते हैं कुछ, हैमर से क्या होगा। ओके हम लोग चीज तोड़ सकते हैं। अच्छा ये चीज मेटल की बनी है तो मैं इसको हैमर से नहीं तोड़ सकता। ये बॉक्स, ओके बॉक्स को तोड़ सकते हैं, बॉक्स वुड का है, इसको भी तोड़ कर देखते हैं। ओके ये पटरी मेटल की बनी है तो इसको नहीं तोड़ पा रहा, इसको तोड़ते हैं। ओके समझ गया मैं क्या चीजें तोड़ सकता हूँ इससे और क्या चीजें नहीं तोड़ सकता। और ये मेरे को कह रहा है फ्यूज यहाँ पे लगाने के लिए, जिससे पावर यहाँ पे आ सके। तो भाई अंदर कैसे जाना है मेरे को? हेलो, अंदर जा सकता हूँ मैं? फ्यूज कैसे लगाते हैं भाई? फ्यूज है कहाँ? पेड़ हटाओ यहाँ से भाई, ये मेरे को देखने नहीं दे रहा। इसको पकड़ो, गेट खुल जा भाई। ओके मैं गेट खोल सकता हूँ इसका। और अंदर आ गए हम लोग मशीन के, ये जनरेटर लग रहा है और मैंने फ्यूज लगा दिया यहाँ पे और पावर आ चुकी है कि हमारी। अब क्या करना है भाई हमें? ओके हमें कुछ मैसेज मिला, कुछ मिशन मिला होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। चलते हैं भाई हमारे कंप्यूटर पे। और ये रहा हमारा कंप्यूटर, गैस बिल। ओके ये इसकी मम्मी का मैसेज आया और इसकी मम्मी कह रही है कि इनके पास गैस बिल तक पे करने के पैसे नहीं है। तो इसके मम्मी कह रही कुछ भी काम करने के लिए जिससे ये लोग पे कर सके। और इसी के ऊपर एक और मैसेज आ रखा है जिसमें लिख रखा है कि किसी बंदे को ये बिल्डिंग गिरवानी है यहाँ पे, उसको मॉल बनाना है और ये बिल्डिंग उसके रास्ते में आ रही है, क्या हम लोग ये बिल्डिंग गिरा सकते हैं? यस श्योर भाई, गैस के बिल के पैसे भी तो पे करने हैं। तो चलते हैं भाई हम लोग वो बिल्डिंग गिराने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें पैसे चाहिए गैस बिल पे करने के लिए। ओके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, शायद यही वाली बिल्डिंग है वो। हाँ यही वाली बिल्डिंग है वो जिसको हमें गिराना है। और प्रोपेन टैंक एक्सप्लोड्स व्हेन थ्रोन, हाईली एक्सप्लोसिव टैंक्स। ओके हमें इन टैंक्स को यूज करके गिराना है इस बिल्डिंग को, ये तो मजा आने वाला है भाई। सबसे पहले उठाते हैं इस टैंक को। कैसे उठेगा भाई, कैसे पिकअप करेगा तू? गलती से मैं मर गया, गलती से मैंने गिरा दिया अपने ऊपर ही। ओके दी ओल्ड बिल्डिंग प्रॉब्लम, शायद यही वाली वो बिल्डिंग है जिसको हमें गिराना है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा इसी को गिराना है ना हमें? तो भाई सबसे पहले तो बोर्ड हटाओ जिसका ये बोर्ड लग रखा है ये। और यहाँ पर क्या रखा है भाई? ये एक्सप्लोसिव्स रखे हुए हैं भाई यहाँ पे, तो इसको उठाते हैं। सबसे पहले करना कैसे हमें? थ्रो करना है हमें इसे, थ्रो करते हैं। ओके किधर का पार्ट हमें पहले गिराना है? गिराओ भाई इस बिल्डिंग को। ओके ये सही था, ये तो भाई ऐसी गिरा दूंगा मैं। अरे हथौड़ी क्यों बरसा रहा हूँ मैं उस पे? एक और भाई, ये बिल्डिंग तो 2 मिनट की है। ओके मेरे को डैमेज भी मिल रहा है, हेल्थ है भाई मेरी, मेरे को डैमेज मिल रहा है। वैसे इधर से भी मारते हैं इसको, इधर से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ओके डैमेज हो रहा है भाई, बिल्डिंग गिर रही है। और मैं क्या हथौड़े से तोड़ सकता हूँ कैसे? अरे यार ये तो आराम से टूट रही, तो ऐसे ही गिरा दूंगा पूरी बिल्डिंग को। भाई गिरा, आग लग गई बिल्डिंग में। अच्छा इस ईंट की दीवार को नहीं तोड़ सकता मैं हथौड़े से, बाकी सारी चीजों को तोड़ सकता हूँ, सिर्फ ईंट की ये वाली दीवार रह गई है। इसको भी गिराते हैं फटाफट से, यहाँ से ले लेते हैं इसको, बोम को, मैं तो बोम ही कहूंगा भाई इसे। अरे हट जाओ भाई, इसको फटाफट से लेते हैं और दबा देते हैं यहाँ पे, फेंक भाई। ओके इसको तो कुछ हुआ ही नहीं यार, ईंट की दीवार को। अच्छा अच्छा सामने बिल्डोजर खड़ी है यार, मैं अभी हाथ से तोड़ रहा हूँ उसको। यहाँ से रास्ता क्लियर करो भाई, रास्ता बनाओ अपने पहले गाड़ी के आने के लिए। डोजर खड़ा है भाई यहाँ पे पूरा पूरा, डोजर को लेते हैं और चल भाई नीचे करो इसको अपने डोजर को। और भाई पेड़ गिरा दिया मैंने, पेड़ नहीं गिराना था, पर कोई बात नहीं, गलती से गिर गया वो, उधर वाला पार्टी गिराएंगे भाई। इधर से लगाते हैं अपनी गाड़ी को, और यप इससे तो आराम से टूट जाना चाहिए पूरा घर, पूरा घर गिर चुका है पर अभी भी इसका पूरा ढांचा बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, अपने डोजर के इसको पूरा ऊपर करते हैं और अब इस घर को पूरा गिरा देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा हमें इसकी हाइट कम करनी है, 3.8 मीटर का अभी भी है, ज्यादा बड़ा है मतलब, छोटा करना है भाई। पूरा घर पलट दिया मैंने इससे, क्या 5 मीटर? ओके पूरा घर डिस्ट्रक्शन कम्प्लीटेड, ठीक है भाई हमने पूरा काम अपना कंप्लीट कर दिया है। और ये मेरे डोजर का, ये देख रही हो आगे का डोजर का पूरा हिस्सा भी टूट चुका है, पर यार मेरे को डोजर चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, तो और चीजों पे टेस्ट करते हैं इसको। ओके हमारे डोजर पलट चुका है भाई, और मैंने डोजर गलती से पलट दिया, ये मेटल का बना हुआ है, इसको नहीं तोड़ सकते मैं थोड़े से। ये रे भाई अपनी गाड़ी, इससे निकलते हैं फटाफट से, हमारा मिशन कम्प्लीट हो गया इसी के साथ। और वैसे आज मैंने हरियाणवी लुक पहना हुआ है क्योंकि ठंड लग रही है यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा हम लोग इस
लोकेशन पे वापस आ चुके अपना मिशन कंप्लीट करके। और ये अलार्म क्यों बज रहा है भाई, सुबह हो गई क्या अलार्म क्लॉक? कोई बात नहीं, हमारा अलग ही वो है स्टाइल अलार्म क्लॉक को बंद करने का। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं हमको करना क्या है भाई यहाँ पे, क्योंकि नीचे कैसे जाना है मेरे को। अच्छा ये रहा रास्ता। और करना क्या है मेरे को, कंप्यूटर पर कुछ मैसेज आया भाई मेरे को आज भी। ओके, इसकी मम्मी का दोबारा से एक और मैसेज आया है और उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट हैव टेकन दैट जॉब, मतलब हमें वो जॉब नहीं लेनी चाहिए थी। इसकी मम्मी को पता था उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बिल्डिंग कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन में थी मतलब, एंड दी डिमोलिशन इज नाउ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। और भाई हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, उन्होंने हमारी गाड़ी की फोटो खींच ली है। और इसकी मम्मी ने उन लोगों से बात करने की कोशिश करी पर वो लोग फेवर मांग रहे हैं इस केस को ड्रॉप करने के लिए। तो मतलब जिन लोगों की हमने बिल्डिंग गिराई है उन लोगों का हमें काम करना होगा, और ये भी कुछ इनलीगल काम है जहां तक मेरे को पता है। तो मतलब एक क्राइम से बचने के लिए हमें दूसरा क्राइम करना होगा। ये अलग ही हम लोग लफड़े में बस रहे हैं भाई। इसका भी मेल आ रखा है पुलिस ऑफिसर का जो हमसे कुछ काम करवाना चाह रही है इनलीगल। ये एक बंदे के लोरिस ली जूनियर के टैक्स में चोरी पकड़ना चाहती है, तो उसके लिए हम लोगों को उसका कंप्यूटर चुरा के इसके पास लाना पड़ेगा और उसके बदले में ये हमारा केस को माफ कर देगी, उसको केस को हटा देगी। ये इनलीगल काम ही है पर करते हैं हम लोग इसको। ओके, हम लोग ली कंप्यूटर्स पे आ चुके हैं और यहाँ पे ये चाहती है हमें तीन कंप्यूटर लेकर जाए यहाँ से जिनमें वो डाटा हो सकता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी में एक फायर अलार्म है जो कि बड़ी फायर से ट्रिगर हो जाएगा, पर उससे हमें डरने की क्या जरूरत है भाई, फायर अलार्म है वो। और सबसे पहले यार मेरे को एक गाड़ी दिख रही है बड़ी मस्त सी, इसको निकालते हैं और इसको लेकर चलते हैं साथ में यहाँ पे। ओके, एंट्री ले ली मैंने घर में। आई एम दी बॉस ओवर हियर ब्रदर। ओके, मैंने इस गाड़ी से इस घर में छेद कर दिया है और एक कंप्यूटर तो यहीं पे होना चाहिए, तो देखते हैं सबसे पहले। ओके, इस वाले कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ मेरे को दिख रहा है ऐसे ही। और ये वाला दरवाजा खोलते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। ओके, ये रहा भाई कंप्यूटर। एक कंप्यूटर मैंने ले लिया है और दो कंप्यूटर और चाहिए, तो फटाफट से चलते हैं अपने बाहर, बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं दूसरे कंप्यूटर की तरफ। और भाई निकलो इधर से, दूसरा कंप्यूटर किधर है? ओके, कंप्यूटर इधर भी है भाई, तो सबसे पहले चलते हैं इधर पर, इसको तोड़ते हैं अंदर। अंदर कंप्यूटर दिख रहा है मेरे को, फटाफट से इसको उठाते हैं और भाई बड़ा इजीली हम लोग तो लेके निकल जाएंगे यहाँ से, दिक्कत क्या है। दो कंप्यूटर हो चुके हैं हमारे पास, तीसरा कंप्यूटर इस वाली बिल्डिंग में है और इसी वाली बिल्डिंग में भाई यहाँ पे आया वाला कंप्यूटर। निकल तू यहाँ से, एस्केप कर। अच्छा मैं यहाँ पे छड़ भी सकता हूँ। और ये क्या रखा हुआ है भाई यहाँ पे? ओके भाई, हम लोग तो बिल्डिंग में बड़ी इजीली घुस गए अंदर और 4 मीटर की ऊंचाई पे है, यहीं पे इसी वाले ऑफिस में होना चाहिए जहां तक है। मैं कैसे जा सकता हूँ भाई ऊपर? कुछ तो मेरे को सामान मिला $45 का। ओके, ये रहा रास्ता इधर से, पर यार ये वाला रास्ता तो यहीं खत्म हो गया, मेरे को उधर जाना है, उस वाले कोने पे जाना है मेरे को, कंप्यूटर उधर वाले पे है। क्या कर सकता हूँ मैं, ये वाला फट्टा पकड़ सकता हूँ क्या? इसको लेके लगाते हैं भाई यहाँ पे ऊपर। ओके, कर सकता हूँ इस फट्टे को लगा के ऊपर चढ़ सकता हूँ ये वाला गेट खोल के। भाई सीढ़ी है ये तो एक टाइप की, पकड़ ले और उठा, इधर रख ले। हाँ इधर रख दिया है मैंने, और इसको ऊपर चढ़ जा। पर भाई अभी मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा दरवाजे तक। ओके, ये वाला दरवाजे लॉक लग रहा है मेरे को, नहीं तो फिर तब तक खुल जाना चाहिए था। ओके, ये वाला दरवाजे लॉक है भाई, दरवाजे बंद है ये वाला, और ये पूरा सील्ड है। ओके, मैंने कांच तोड़ दिया है, यहाँ से मैं अंदर घुस सकता हूँ कांच से। फुल हाइस्ट चल रही है भाई यहाँ पे, फुल मनी हाइस्ट। और भी सामान लेकर आना पड़ेगा, पर मेरे को ये वाले ब्लॉक्स भी यहाँ पे डालता हूँ और उस पर छड़ छड़ के धीरे धीरे हम लोग छड़ेंगे, नीचे मत गिरियो। और सीढ़ी भाई, सीढ़ी किस दिन काम आएगी? अरे भाई किधर जा रही है ये? ओके, यहाँ से मैं जम मार सकता हूँ। ओके भाई, फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे कंप्यूटर कहाँ है भाई? ओके, मैंने कंप्यूटर ले लिया है, ये तो इजी हो गया बहुत ज्यादा, मिशन अकम्प्लिश्ड। भाई देख रहे हो क्या स्किल्स है हमारी। और भाई ये नई गाड़ी, इसको तो चलाए बिना नहीं जाने वाला मैं। अच्छा इससे भी तो जा सकते थे हम लोग अंदर, वैसे ये तो बहुत ईजी हो जाता। और भाई जिसका भी ऑफिस है, जो भी टैक्स में चोरी कर रहा है, उसका ऑफिस तबाह कर दिया मैंने पूरा पूरा। और निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट, इस बॉक्स को नीचे गिराते हैं और छड़ के निकलते हैं भाई यहाँ से। ये रही अपनी गाड़ी, और निकलो भाई यहाँ से फटाफट। ओके, ये क्या हुआ? अच्छा ये बॉम है क्या? रुको एक मिनट, एक और चीज टेस्ट करनी है मेरे को, ये क्या हो रहा भाई? ओके, हमारी गाड़ी खराब हो गई पूरी, यहाँ से निकलते हैं फटाफट पैदल भागे भागे। और सामने मेरे को एक और गाड़ी दिख रही है, और गाड़ी ना मैं यूज करने जैसा हो ही नहीं सकता भाई। पानी में जा रही है हमारी गाड़ी? नहीं, पानी में नहीं जाना, रात दहाड़े हम लोग निकल के आ गए यहाँ पे। गेट तोड़ दिया है, और ये भाई पूरी मनी हाइस्ट चल रही है यहाँ पे, कंप्यूटर हाइस्ट चल रही है, मनी हाइस्ट गलत बोल दिया मैंने। और हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी वो केस वाली, जो उस बंदे ने केस कर दिया था जिसकी हमने बिल्डिंग गिराई थी। बाकी देखते हैं वो पुलिस वाली हमें छोड़ने वाली है नहीं छोड़ने वाली, मेरे को तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इसको और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोग चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट्स में लिख दो नेक्स्ट पार्ट फास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।